कुछ भी नहीं। पानी है पर्याप्त? बहुत है। कितनी फसल हो जाती है 9 एकड़ में? छह महीना का 4 लाख। 6 महीने का 4 लाख आता। अच्छा, 4 लाख। 4 लाख आपको कौन सी योजना का लाभ मिला है जी? सरकार की कोई, केंद्र सरकार की योजना का कोई लाभ मिला है आप? किसान सम्मान योजना। कुछ सरकारें ऐसी भी है, मतलब मुझे तकलीफ होती है, आप बता रहे तेलंगाना में अभी फसल बीमा योजना का लाभ ही आप किसान क्या अनुभव है आपका? साल से 3 बार आता। एक ही बार देगा तो फार्मर को एक ही 3 बार दे रहा। तेलंगाना में अभी चावल डालने का टाइम दवा के महीना का वो अलग अलग टाइम में दे रहा है ना, वो तो बहुत यूज हो रहा है मेरे को। अभी 9 एकड़ का अच्छा थोड़ा का काम चल जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा? हाथ उठाएं किसान, मिल रहा है? चलिए धन्यवाद। बहन जी आई है, कविता रानी आप। राजस्थान से हूं। तीन बीघा। तो आपको कौन सी योजना का लाभ मिला है? ये प्रधानमंत्री का मिलते हैं सम्मान निधि, इस योजना के लाभ में कोई परेशानी तो नहीं आती आप? कहाँ आ जाता है? सीधे खाते में आ जाता है। खाते में पैसा निकालने जाते हैं तो कोई कहता तो नहीं थोड़े बहुत इधर ले? जाता है। कैसी योजना लगी आपको? बहुत बढ़िया मोदी जी, बहुत बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया लगी। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे कृपया सभा को संबोधित करें और अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। भारत माता की, किसान भगवान, आए हुए सभी बहनों भाइयों की और आवाज आ रही थी इसलिए भांजे भांजियों की, आपकी जय होगी तो मामा की जय होगी। मंच पर विराजमान, ये चल रहा है कि नहीं भैया? हमारे आदरणीय कृषि राज्य मंत्री किसान, आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, अभी अभी जिन्होंने है जी, जो नए नए बीज हमें मिल रहे हैं ICAR के माध्यम से, उसके DG पाठक जी, अभी जिनके साथ अपना संवाद हुआ है वो मेरे प्रिय देश भर से पधारे हुए
मेरे सभी किसान भाई और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार। अजय लाल किले की प्राचीर से वर्षों से झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री 1947 से, लेकिन पहले कभी कोई किसान को बुलाता था क्या? जोर से बताते हैं, बुलाता था क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम हृदय से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया जाता है, और आज देखो किसानों की छटा, भी आपके जैसी है। हम भी किसानों के रंग में रंगे हैं, लेकिन आज सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं शहीदों को, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने अपने खून की अंतिम बूंद देके भारत को स्वतंत्र किया, आजाद कराया, उन सबको प्रणाम। पूजे न बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बक्स पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। वीरती बांझ हो जाएगी, हम सब जानते हैं, कोई चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की थी। जो हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, और जब फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था कि भगवान मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं हो जाए, भारत माता आजाद नहीं। देखना है मैं तुझे आसमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अशफाकुल्ला खान हो, हमारे अमर क्रांतिकारी, तराने गायक, पंद्रह साल का नौजवान, तब भारत माता पकड़ लिए गए, पंद्रह बैत मारने की सजा मिली, शर्ट खोल दी, लिटा दिया, बैत उठता और सड़क से पीठ पे पड़ता, लेकिन हर बैत के साथ चंद्रशेखर आजाद कहते भारत। बैत की सजा पूरी हो गई तो चंद्रशेखर जी ने कहा, एक बार तो मेरे तुमने चंद्रशेखर को पकड़ लिया, अब दोबारा जीते जी चंद्रशेखर को पकड़ नहीं पाओगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं गद्दारी के कारण। एल्फ्रेड पार्क में घेर लिए गए चंद्रशेखर आजाद, अंतिम गोली उनके माउजर पिस्तौल में, तो भारत माता की माटी को हाथ में लेकर और अपनी कनपट्टी में पिस्तौल अड़ा के अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। भगत सिंह को छोड़ा ले,
जेल से छुड़ा के ले जाए, फांसी की सजा हुई थी। और जब गए और बातचीत की कि हमने तो योजना बना ली, तो सिंह को कायर समझते हो? तो क्रांतिकारी मित्रों ने कहा भगत सिंह मौत से कैसे डर सकता है, लेकिन मन में तकलीफ यही है कि एक भगत सिंह फांसी के फंदे पे अगर झूल गया तो इस क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा। तब कहा था सईद आजम सरदार भगत सिंह ने, जाएगा फांसी के फंदे पर चढ़कर, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, भारत माता आजाद नहीं हो जाती। कितनी कहानियां वीरता की, बलिदान की, कुर्बानियों की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और महारानी लक्ष्मीबाई अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पद सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो उनके कारण आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि वो देश के लिए अपना सब कुछ लुटा गए, देश के लिए मरने के, देश के लिए जिसको कहते हैं उसका प्रणाम, उसका प्रमाण है कि आज आजादी की इस महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस पर गांव गांव से मेरे किसान भाई और बहन यहां पधारे हुए हैं। एक बार मैं फिर आपको प्रणाम करता हूं, भारत के दिल की धड़कन है, अब जनता की दिल की भी धड़कन है। उनसे बना हुआ खून ही तो जनता के शरीर में दौड़ रहा है, और वही तो आप ना हो तो दिल का धड़कना बंद हो जाए। और इसलिए मेरे मंत्री मित्रों ने सही कहा कि हमारे लिए, हमारे लिए आप भगवान हैं, अन्न। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प अन्न बनाना, उसकी आय बढ़ाना। मैं जब कृषि मंत्री बना तो मैंने प्राचीर का जो भाषण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है किसी भी प्रधानमंत्री का। मैं प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़ूं और भाषण पढ़ के देखूं कि किस प्रधानमंत्री ने किसान के बारे में, खेती के बारे में क्या कहा है, कितनी बार कहा है, मैं जान के आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उठाए 1947 से लेकर अब तक के भाषण, मेरे किसान भाइयों किसी की आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। तो 1947 से उन्हें लाल किले की प्राचीर से भाषण दिए, 47 में एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में एक बार, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया, 62 में एक बार, 63 में नहीं लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, किसान होगा तब तो किसान जवान पे आएगा। पिछली सरकारों की प्राथमिकता कभी किसान नहीं रही, कभी खेती नहीं रही। मुझे पता है जब मैं छोटा था इमरजेंसी के दौर,
उसके पहले 73 में 74 में की उम्र ज्यादा, अगर उनको याद हो तो लेवी वसूली जाती थी, लेवी अगर 25 क्विंटल धर जाए, यहां अफसर आते थे और बिंडे खाली कर जाते थे। स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी कभी किसान का नाम इक्का दुक्का बार लिया,